बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 2 लाख के इनामी उमर ने मंगलवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। वो प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के साथ मारपीट और उसके अपहरण के मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि ये मामला 28 दिसंबर 2018 का है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में आलमबाग निवासी रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से गोमती नगर ऑफिस से उसका अपहरण करवाया। उसके बाद तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया। आरोप है कि जेल में ही अतीक ने एक सादे कागज पर उससे साइन करने को कहा और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तब अतीक के गुर्गों और बेटे ने उसे तमंचे और लोहे की रॉड से पीटा। बेहोशी की हालत में स्टाम्प पेपर पर साइन करा के करीब 45 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करा ली। इतना ही नहीं, अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। इसी मामले में उमर अहमद ने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। सुनिए उसके वकील ने क्या बताया। आज उमर एक केस में वांटेड था तो उसमें उसका सरेंडर कराया था। कोर्ट ने 27 की डेट लगाई है कॉपी सर्व करने के लिए। तो जितने भी एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ तैयार किए हैं उसकी कॉपी सर्व कराई है। क्या पुलिस द्वारा पीसीआर और पुलिस कस्टडी रिमांड की भी बात करी गई है इसमें सीबीआई द्वारा? पुलिस द्वारा क्या सीबीआई ने पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी है इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी। वैसे भी चार्जशीट फाइल हो गई है इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड का कोई मतलब नहीं है।